एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरत 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुशी को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना, इसी में से ही गुजर बसर करना होगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि को बुलाया कि हे मुनिवर, मेरे भाग में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हाँ हुई है, तो ये तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? मुनिवर ने कहा, ये तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसके भाग का मिलता है। किसके भाग से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। हे प्राणी, तुझे नहीं पता कि तू किसके भाग्य का कमा रहा है। दोस्तों, अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म करो या कार्य करो, उस पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ। हर हर महादेव शंभू।